ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, ऑक्सी एसिड्स जो है उसके बारे में देखने वाले हैं, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है ये ऑक्सी एसिड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, तो बेसिकली फॉस्फोरस जो है वो फॉर्म करता है टू टाइप्स के ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉस्फोरस फॉर्म्स, डायरेक्ट पी लिख देते हैं। ठीक है, फॉर्म्स, ठीक, टू टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स वन हैविंग, ठीक है, अब दो जो हैं वो क्या करते हैं कि फॉस्फोरस एक जो है वो क्या करेगा, प्लस वन वाला होगा। ठीक है, और एक क्या होगा आपका, प्लस थ्री वाला होगा। एक प्लस वन वाला हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, प्लस थ्री वाला। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, और जो दूसरा रहेगा वो कौन, वो कितना शो करेगा, प्लस फोर वाला। ठीक है, और प्लस फाइव वाला, दैट इज इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड ये हो जाए। ठीक है, और ये जो फॉस्फोरस एसिड होते हैं, ठीक है, टेंड टू डिसप्रोपोर्शनेट, क्या शो करेंगे, डिसप्रोपोर्शनेट शो करेंगे एंड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ध्यान में रखना है कि फॉस्फोरस वाला क्या है, डिसप्रोपोर्शनेट शो करेगा, ठीक है, इसमें हम क्या बोल रहे थे, टेंड्स टू डिसप्रोपोर्शनेट। ठीक है, लिखा जा रहे भाई,
थैंक यू, दोबारा लिखवाने लिखने के लिए। तो क्या बोल रहे थे हम, ये क्या आपका शो करेगा, टेंस टू, इट इज प्रोपोर्शनेट। तो क्या लिखेंगे, अरे फिर गायब, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? टेंड्स टू डिस्प्रोपोर्शनेट, डिस्प्रोपोर्शनेट को शो करेगा, यानी कि रिएक्शन के बाद तो जानते ही हैं ऑक्सीडेशन नंबर में क्या जाएगा, चेंजेस और अलग अलग वो दिखने लगेगा, ये चीज है। और दूसरा एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है, एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जबकि ये वाला जो है वो फॉस्फोरिक एसिड लिटिल ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को शो करेगा, लिटिल ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, लिटिल ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को शो करेगा, ठीक। अब यहाँ पे यदि हम थोड़ा सा और यदि हम देखें, इसका हम एक चार्ट आपको बना के दिखाते हैं यहाँ पे कैसे कैसे ये रहेगा, ठीक। तो जैसे ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे पहला लिख रहे हैं नेम ऑफ ऑक्सी एसिड, यहाँ क्या रहेगा, नेम ऑफ ऑक्सी एसिड, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला, ठीक है, बेसिसिटी, ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, ये थोड़ा सा लाइन खींचा सकता है, तो सबसे पहला वाला क्या रहेगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। दूसरा जो रहेगा वो क्या होगा, फॉस्फोरिस फॉस्फोरस एसिड, नाम भी हम बताएं कैसे लिखा जाता है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में फॉस्फोरस एसिड। और तीसरा जो है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। फोर्थ वाला जो होता है वो आपका होगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। पांचवा होता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और छठा जो है वो है पाइरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसीलिए डिक्टेट भी कर रहे हैं, ठीक है, पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है H3PO2, इसका फॉर्मूला होता है H3PO3, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, P2O3.3H2O, ऐसे भी लिखते हैं। इसका क्या होता है, H3PO4, ठीक है, या फिर इसको लिखते हैं P2O5, ठीक है, .3H2O, ठीक है। ये वाला हो जाएगा आपका H3 HPO3
और ये लिखा आएगा एच सॉरी पी टू ओ फाइव P2O5, ठीक है, डॉट H2O। उसके बाद ये क्या है H4 P2O6, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा P2O4 डॉट 2H2, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा आपका P4 सॉरी H4 क्या होगा H, ठीक है, हो जाएगा ये H4 P2O7, और इसको लिखा सकते हैं P2O5 डॉट 2H2O, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर यदि हम बात करें तो इसका हो जाता है 4, इसका हो जाता है 4, ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका 1, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, हाँ हो जाएगा, और इसका जो है तीसरे वाले का आपका हो जाएगा 3, ठीक है, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, यानी सिंपल 1 2 3 1 4 4, ठीक है, बेसिसिटी हम बता रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, सॉरी, ये क्या है आपका बेसिसिटी, ठीक है, कितने हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलेंगे, ये होता है बेसिसिटी। ऑक्सीडेशन नंबर बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर ये है +1 में, ये किस में है आपका +3 में, ये वाला किस में है आपका +5 में, ये वाला किस में है आपका +5 में, ये किस में है आपका +4 में, ठीक है, और ये किस में है आपका +5, तो ये पूरा का पूरा जो है आपका क्या नजर आ रहा है, ये जो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ठीक है, ये पूरा ऑक्सी एसिड्स का। तो आज हम ऑक्सी एसिड्स यहीं छोड़ते हैं, ठीक है, बड़ा फिर हो जाएगा क्योंकि, और कल जो है फिर से हम लोग जो है इसको खत्म करके, मतलब ये खत्म करके और फिर हम लोग ऑक्सीजन फैमिली में बढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली की तरफ देखेंगे। आ रहा बात समझ में? तो चलिए आज का मीटिंग यहीं समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।